ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन्स, इनका इंट्रोडक्शन और नॉमनक्लेचर, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने कल करी थी। मतलब बेसिकली हम लोगों ने नॉमनक्लेचर इसका चेक किया था, नॉमनक्लेचर आधा छूट गया था, आज मैं कंप्लीट कराऊंगा उसे। और साथ में हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन्स का इंट्रोडक्शन किया था। इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम लोगों ने ये भी चेक किया था कि कितने टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। तो एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं, और रिवाइज करने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दोनों ही क्या होते हैं? दे आर कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिनके पास सी डबल बॉन्ड ओ होता है। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, कार्बन मोनोऑक्साइड जब एक मेटल से जुड़ जाती है तो इसे मेटल कार्बोनिल बोलते हैं। तो सी डबल बॉन्ड ओ को कार्बोनिल बोला जाता है, क्योंकि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो वापस डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है जब वो मेटल के साथ अटैच होने लग जाता है। सो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, इनके पास क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एल्डिहाइड में क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एक हाइड्रोजन होता है, और यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप होता है। ये क्या हो गया? एल्डिहाइड। एंड व्हेन दोनों ही साइड एल्काइल ग्रुप होते हैं तब उसे हम लोग बोलते हैं कीटोन। ठीक है, तो ये दो तरीके के हमारे कंपाउंड्स हो गए जो हमें बेसिकली पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है? एक डबल बॉन्ड है। तो जब भी डबल बॉन्ड होता है, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, और जो सेकंड वाला बनता है वो क्या होता है? पाई बॉन्ड। मैंने तुम लोगों को अच्छे तरीके से पहले भी बता रखा है कि अगर हमारे पास तीन बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और आई कैन इवन से क्वाड्रपल बॉन्ड। क्वाड्रपल बॉन्ड भी होता है, कुछ मेटल कॉम्प्लेक्सेस में क्वाड्रपल बॉन्ड होता है। तो जो फर्स्ट बॉन्ड होता है वो हमेशा क्या होता है? सिग्मा होता है। पहला जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा बनता है। तो हर किसी के पास एक सिग्मा होता है, और उसके बाद जैसे जैसे बॉन्ड बनते हैं तो नेक्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वो हमेशा पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे एक सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा, दो पाई, और एक सिग्मा, तीन पाई। ठीक है, जो सबसे पहला जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, उसके बाद जितने भी बॉन्ड्स फॉर्म होंगे वो सारे पाई होते हैं। सिग्मा अगर बॉन्ड नहीं फॉर्म हो रहा तो पाई फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, इफ सिग्मा बॉन्ड इजेंट अवेलेबल, अगर सिग्मा बॉन्ड अवेलेबल नहीं है देन पाई बॉन्ड कैन नॉट एग्जिस्ट। तो पाई बॉन्ड उसके बिना नहीं हो सकता। तो पाई बॉन्ड को बनने के लिए एक सिग्मा बॉन्ड चाहिए चाहिए होता है, और सिग्मा बॉन्ड एक ही बनता है, एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड नहीं बनते हैं। ठीक है, उसके बाद जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो पाई ही बनेंगे। हम लोग दो एटम्स की बात करें, दो एटम्स के बीच में हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद जितने भी बनेंगे वो हमेशा पाई बॉन्ड्स बनेंगे। और डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा तो बन ही गया, तो एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड है तो दो पाई, क्वाड्रपल बॉन्ड है तो तीन पाई। ठीक है, सो डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो एक सिग्मा बॉन्ड बना होगा और इसके साथ एक पाई बॉन्ड बना होगा। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ऑक्सीजन भी क्या होती है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं? दो लोन पेयर होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, कल हम लोगों ने बात कर ली थी। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल्स टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सबको ऐड कर दो तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है। यहाँ पे हमें याद रखना है कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और इवन इफ वी हैव क्वाड्रपल बॉन्ड, इन सबको कंसिडर किया जाता है एज सुपर बॉन्ड पेयर। इन सबको सुपर बॉन्ड पेयर की तरह कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन की भी क्या है? sp2 है, और कार्बन की भी क्या है? sp2 है। तो ये हो गया हमारा इसका स्ट्रक्चर। अब हम लोग देख लेते हैं कितने टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। एक एक करके मुझे बताओ। ये तो एल्डिहाइड हो गया, ये हो गया कीटोन,
तो ये इतने तरीके के हमारे होते हैं, इससे अलावा इसके अलावा भी और हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड कब, जब कार्बोनिल के साथ एक हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होता है तब उसे हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। जब दोनों साइड ही एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, एल्काइल या एराइल ग्रुप, तो वो उसे क्या बोला जाता है, कीटोन। जब कार्बोनिल कार्बन के साथ, सी डबल बॉन्ड हो कार्बोनिल के साथ जब हम लोग एल्कोहल अटैच कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब इसके साथ, सर डबल बॉन्ड के साथ NH2 या N के साथ कोई R ग्रुप लगा देते हैं तब वो क्या बन जाएगा, अमाइड। RC डबल बॉन्ड OR, क्या है इसका नाम, क्या है जल्दी बताओ। एस्टर हाँ, इसका नाम क्या है, एस्टर। तो RC डबल बॉन्ड O और O के साथ अगर हम लोग R लगा देते हैं, एल्कोक्सी ग्रुप अगर हम लोग अटैच कर देते हैं कार्बोनिल के साथ तो वो क्या बन जाता है, एस्टर। अमाइड्स की CONH2 होते हैं। अमाइड याद करना आसान है, एस्टर तुम लोगों को पता नहीं क्यों याद नहीं होता। RC डबल बॉन्ड O क्या है, एसाइल हैलाइड। और ये जो लास्ट वाला बचा इसका नाम क्या है शिवम, बताओ क्या है इसका नाम, शिवम है ये चला गया। अच्छा क्या बोला, मुझे सुनाई नहीं दिया। हाँ शिवम बोलो, क्या है इसका नाम। आई गेस नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रहे हो। छोड़ो, विदाउट ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एनहाइड्राइड है इसका नाम, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इतने तरीके के देखे थे, और अगर मैं इसको RC डबल बॉन्ड O N R1 R2 कर दूं तो ये भी क्या है, इट इज़ अ अमाइड, ठीक है। इसके बाद हम लोग चेक कर रहे थे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन का मैं बेसिक बता रहा था कि मॉलिक्यूल को हम लोग चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब जो नॉमन क्लिचर जो उसका नाम होगा उसको हम लोग फोर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसमें से जो पहला होता है वो क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। ये होता है रूट चेन या पेरेंट चेन नेम हो सकता है। ये होता है सफिक्स वन, और इसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स। सफिक्स वन में क्या यूज करते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। हमें देखना पड़ता है कि वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, ठीक है। इनको कभी भी हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह नहीं लेते हैं। इनकी पोजीशन क्या होती है, दिस इज फिक्स पोजीशन। इनकी पोजीशन क्या है, एकदम फिक्स्ड है, ठीक है। तो सफिक्स हो गया ये एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो अगर कोई फंक्शन ग्रुप है या नहीं है इनसे ज़्यादा प्रायोरिटी का है फंक्शन ग्रुप, तो भी इनका नाम क्या रहेगा, यही रहेगा, यही इनके लिए फिक्स हो गया कि सफिक्स वन पे ही वो आएंगे। सफिक्स टू पे क्या होता है, फंक्शन ग्रुप आता है, हाइएस्ट प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप। ठीक है। और प्रीफिक्स क्या हो सकता है, प्रीफिक्स जनरली सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो प्रीफिक्स का भी मैंने बताया था कि प्रीफिक्स को हम लोग जनरली क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से होते हैं, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, लाइक मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, ये सारे होंगे। इसके अलावा नाइट्रो ग्रुप हमेशा एक सब्स्टिट्यूएंट होता है, एल्कॉक्सी ग्रुप हमेशा क्या होता है, एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही यूज होता है, ठीक है। और हाँ, क्लोरो ब्रोमो आयोडो, इनको भी हम लोग क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही लिखते हैं, ठीक है। 1 क्लोरोमीथेन, 2 क्लोरोइथेन, इस तरीके से हम लोग जनरली ये लिखते हैं। एक्स में कल भूल गया था तो उसको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, इनको हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह रखा जाता है। अपार्ट फ्रॉम देम और कौन से सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट होगा एक लोअर प्रायोरिटी ग्रुप,
एक लोअर प्रायोरिटी ग्रुप, ऐसा ग्रुप जिसकी प्रायोरिटी कम है, जो इतनी अच्छे से प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाता, उसको हम लोग क्या करेंगे, लोअर प्रायोरिटी ग्रुप करेंगे। लोअर प्रायोरिटी कब होगा, एक ये रिलेटिव टर्म है, अगर इससे ज़्यादा हायर प्रायोरिटी का कोई मॉलिक्यूल है तभी होगा। और ये कब एप्लीकेबल होगा, व्हेन वी हैव टू और मोर फंक्शन ग्रुप। तो कब यूज होगा, जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा फंक्शन ग्रुप होंगे, उस केस में हम लोगों का क्या होगा, एक फंक्शन ग्रुप होगा जो लोअर प्रायोरिटी का होगा, और एक क्या होगा, एक हायर प्रायोरिटी का होगा। दूसरा क्या है, अराइल ग्रुप को भी हम लोग सब्सिक्वेंट लिखेंगे। अराइल ग्रुप कब, व्हेन द ब्रांच हैज फंक्शन ग्रुप। ठीक है, इसका क्या मतलब है ये मैं अभी समझाता हूँ। एराइल ग्रुप को भी क्या लिया जाता है, सब्स्टिट्यूएंट लिया जा सकता है, जैसे वन फिनाइल वन नेफ्थाइल, ये सब ले सकते हैं। कब लेंगे, जब फिनाइल ग्रुप के साथ कोई एक साइड चेन जुड़ी हुई है और उस साइड चेन पे फंक्शन ग्रुप है, या वो जो साइड चेन है वो बेंजीन से ज़्यादा बड़ी है, उस केस में बेंजीन को हम लोग क्या ले लेते हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ले लेते हैं। अभी हम लोग करेंगे तो इसको मैं फिर से याद कराऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो प्रायोरिटी सीरीज मैंने कहाँ लिखी, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये प्रायोरिटी सीरीज है, मैंने तुम्हें बोला था ढूंढने के लिए, ठीक है, मिली होगी नहीं मिली होगी मुझे पता नहीं। तो ये होती है प्रायोरिटी सीरीज। इसमें क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे बड़ा ग्रुप हो गया, अगर किसी और ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, किसी और फंक्शन ग्रुप के साथ अटैच है, तो प्रॉपर्टीज कौन दिखाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम लोग विजुअली या हम लोग सेंस कर सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये काफ़ी एसिडिक होता है। तो अगर कोई कंपाउंड एसिडिक है तो हमें पता लग जाता है कि ये एसिड ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सल्फोनिक एसिड, क्या फॉर्मूला है इसका, SO3H। सल्फोनिक एसिड बहुत ही कम यूज होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, लेकिन थोड़ा बहुत होता है। इसके बाद एस्टर्स हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, एस्टर्स की क्या होती है, एक फ्रूटी स्मेल होती है। तो अगर एस्टर है कंपाउंड के अंदर तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि एस्टर को पहचाना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि वो ज़्यादा अपनी प्रॉपर्टी शो कर पाता है। फिर एसाइल क्लोराइड या हेलाइड्स बोल सकते हैं, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोराइड्स ही होते हैं। फिर अमाइड्स, फिर नाइट्राइल्स। नाइट्राइल के बाद क्या आता है हमारा, एल्डिहाइड, फिर आता है हमारा कीटोन, फिर एल्कोहल, फिर अमीन, और उसके बाद फिर एल्कीन, और फिर एल्काइन। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी सीरीज है, इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब ये याद कैसे होगा, बस 3 4 बार प्रैक्टिस करो, आराम से याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा है नहीं। देखो, एल्कीन एल्काइन्स हमेशा इनकी तो पोजीशन फिक्स ही होती है, तो ये हमेशा सफिक्स वन में ही यूज़ होते हैं, और तो इनको तुम कंसिडर कर सकते हो कि इनकी प्रायोरिटी कम ही होती है, ठीक है। इनको कभी भी हम लोग आगे नहीं लगा सकते, तो इनका केस ही अलग हो गया, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने तुम्हें बताया एसिड होना एक बहुत बड़ी बात होती है, तो एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाती हैं, एक्सपोज हो जाती हैं, ठीक है, आराम से पता चल जाता है कि ये एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड दोनों ही एसिड है, और इनकी प्रॉपर्टीज बहुत आराम से पता चल जाती है, जिसकी वजह से दोनों की प्रायोरिटी हाई होती है। फिर एस्टर है, एसाइल क्लोराइड्स है, अमाइड है, एस्टर एसाइल क्लोराइड अमाइड। नाइट्राइल क्या होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, साइनाइड भी बोल सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ सी एन नेगेटिव जब होगा तब उसको साइनाइड बोलेंगे, अदरवाइज इसको नाइट्राइल बोलेंगे। एल्डिहाइड, कीटोन्स, एल्कोहल, अमीन्स। एल्डिहाइड कीटोन्स की ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको पता लगाना और आसान होता है देन एल्कोहल एंड अमीन्स, तो हम लोग इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको एक बार और फिर लिख देता हूँ ताकि तुम्हें याद आए, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर क्या यूज होगा, एस्टर। फॉर्मूला भी लिख देता हूँ मैं, चलो मैं थोड़ी जगह छोड़ूंगा, उसके बाद
फिर एसाइल क्लोराइड्स, फिर नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स के बाद कौन आएगा, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एल्कोहल, अमीन्स। अमाइड छोड़िए ना यहाँ पे। एल्कोहल, अमीन्स, फिर एल्कीन एंड एल्काइन। एक मिनट मैं चेक कर लूँ कि अमाइड कहाँ पे है। एल्केन कहाँ हाँ, एल्केन कहाँ चला गया? फिर? हाँ, अल्केन एल्केन तो हाइड्रोकार्बन है ना, वो तो फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है। तो होता है ना। अच्छा, ठीक है, तो इनके मैं जल्दी से फंक्शन ग्रुप लिख देते हैं और फिर इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? COOH। सल्फोनिक एसिड SO3H, एस्टर CO2R भी लिख सकते हैं। देखो CO, इसको CO2H भी लिख सकते हैं, CO2H। ठीक है, देख लेना कि अलग अलग तरीके से काफ़ी बार बच्चे लिख देते, मतलब क्वेश्चन पेपर में लिखा आ जाता है, तो तुम्हें ध्यान देना है कि वो क्या लिखा हुआ है। ठीक CONH2 या NR2, CHO, COR, OH, NH2, डबल बॉन्ड एंड दिस इज योर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो अगर मेरे पास एल्डिहाइड और कीटोन है तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? एल्डिहाइड की प्रायोरिटी है, तो एल्डिहाइड को मैं कहाँ लिखूंगा? तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फंक्शनल ग्रुप विद हायर प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी। Is written as suffix, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सफिक्स की तरह लिखेंगे। रेस्ट ऑफ द फंक्शन ग्रुप वुड बी ट्रीटेड एज प्रीफिक्स। ठीक है, उनको प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको लेंगे। ठीक है, अब हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? कार्बोक्सिलिक एसिड की है। तो अगर कंपाउंड के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दो, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की हाई प्रायोरिटी होती है। तुम्हें क्या करना है, दो तीन फंक्शन ग्रुप होंगे, उनमें से देखना है कि सबसे ज्यादा किसकी है। तो अगर मैं लिखूं तो ये क्या है, कीटोन है, और ये क्या है, एल्कोहल है। तो इन दोनों में से प्रायोरिटी की ज्यादा किसकी है? कीटोन की ज्यादा प्रायोरिटी है, तो कीटोन क्या बन जाएगा, सफिक्स, और एल्कोहल क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स। ठीक है, तो जब ये सफिक्स बनेगा तब तो इसे ओन ही बोलेंगे, वन नहीं बोलेंगे, इसे ओन बोलेंगे। और ये एल्कोहल को हम लोग लिख देते हैं हाइड्रोक्सी। ठीक है, वैसे ऑल होता है जब उसको सफिक्स में यूज किया जाता है, लेकिन जब उसको प्रीफिक्स में यूज किया जाता है तब उसका नाम हाइड्रोक्सी होता है। अब जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे फंक्शन ग्रुप हैं, COH की हम लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे एल्डिहाइड है, एल्कोहल है, कीटोन है, ठीक है, और कौन सा हो गया, नाइट्राइल है, नाइट्रो, तो ये सब तो वैसे ही रहते हैं, अमीन है। ठीक है, तो इनको जब सफिक्स लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, और जब प्रीफिक्स लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर इनसे ज़्यादा प्रायोरिटी का ग्रुप लगा हुआ है तो हम लोग क्या लगाएंगे, तो वो हम लोग देखेंगे। तो अगर ये सफिक्स की तरह यूज हुआ है तो अल यूज होता है। ठीक है, लास्ट में लगा रहे हैं तो अल यूज होगा। ठीक है, प्रीफिक्स लगाए हैं तो इसको हम लोग ऑक्सो भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ऑक्सो भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग लिखते हैं फॉर्माइल।
2 फॉर्माइल, ठीक है, मतलब क्या है, एल्डिहाइड उसकी जगह पे लगा हुआ है। एल्कोहल है तो हम लोग क्या लिखते हैं, सरफिक्स है तो ऑल लिखते हैं, लेकिन जब प्रीफिक्स है तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी लिखेंगे। कीटोन है तो ओन लिखा जाता है, अदरवाइज क्या लिखा जाता है इसको, ऑक्सो। सीएन है तो नाइट्राइल लिखा जाता है, अदरवाइज साइनो लिखा जाता है, ठीक है। अमीन है तो अमीन लिखा जाएगा, और अगर वो प्रीफिक्स में यूज हुआ है तो उसे हम लोग लिखेंगे अमीनो, ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, एक पेज पे सारे फंक्शन ग्रुप्स लिखोगे, ठीक है, और सफिक्स एंड प्रीफिक्स सारे फंक्शन ग्रुप्स का तुम्हें लिखना है, ठीक है। सफिक्स और प्रीफिक्स सारे फंक्शन ग्रुप्स के तुम लिखोगे और उसको याद करोगे कि किसको क्या बोला जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, लेकिन सिंस हम लोग सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन कर रहे हैं तो एल्डिहाइड कीटोन को क्या बोला जाता है वो तुम याद कर लोगे आराम से, क्योंकि हम लोग उसी पर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। बाकी तुम्हारे छूट जाएंगे तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर स्ट्रॉन्ग करनी है तो सफिक्स और प्रीफिक्स को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो वापस चलते हैं हम लोग नॉमेनक्लेचर पे। तो 4 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया था, याद है हमारा, ये हो गया रूट चेन, ये सफिक्स 1, ये सफिक्स 2 एंड दिस इज योर प्रीफिक्स 1। प्रीफिक्स क्या हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, कितने भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने सबसिक्वेंट्स हैं। जरूरी नहीं है कि प्रीफिक्स एक ही होगा, एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन सफिक्स क्या होंगे, ये हमेशा 2 ही होंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिया CH3, CH3OH, CH2, CH2, CH। तो अब हम लोग रूल्स देखते हैं कि नॉमेनक्लेचर के क्या क्या रूल्स हैं। तो पहला रूल क्या था, पहला रूल है कि वी हैव टू चूज लॉन्गेस्ट चेन। तो हमें सबसे बड़ी जो चेन है उसी को लेना है, और वही हमारी क्या बनेगी, पेरेंट चेन बनेगी या रूट चेन बनेगी, ठीक है। तो मैं इसको लेता हूँ 1, 2, 3, 4, इधर एच भी आएगा, 5 और 5, ठीक है। तो सब जगह से हो रहा है तो हम लोग ये कहीं से भी ले सकते हैं। सेकेंड ग्रुप, सेकेंड जो रूल है उसमें हमें क्या करना है, हमें यूज करना है, नंबरिंग करनी है हमें बेसिकली, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से होगी, वो होगी लोएस्ट लोकेंट रूल से। तो लोएस्ट लोकेंट रूल है क्या, तो लोएस्ट लोकेंट रूल को समझने के लिए हमें ये एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे रूल्स के अकॉर्डिंग, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। सो ये हमारा लोएस्ट लोकेंट रूल है। लोएस्ट लोकेंट रूल में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी पॉसिबल वेज हैं उसमें हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। तो एक और तरीका है इसको नंबर करने का, मैं वो भी करता हूँ। वन टू थ्री, ठीक वन टू थ्री 4, 5, इस तरीके से भी, ठीक है। लोएस्ट लोकेंट रूल के साथ एक चीज और याद रखनी है, नंबरिंग स्टार्ट होगी फ्रॉम फंक्शन ग्रुप। तो कहाँ से स्टार्ट करनी है, फंक्शन ग्रुप से स्टार्ट करनी है, ठीक है। और कौन से फंक्शन ग्रुप से, उस फंक्शन ग्रुप से स्टार्ट करनी है विच हैज हायर प्रायोरिटी, जिसके पास ज्यादा प्रायोरिटी है उसी से स्टार्ट करनी है, ठीक है। इसमें है ना, इस केस में थोड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लोएस्ट लोकेंट रूल अप्लाई नहीं हो पाएगा, तो इसको मैं जस्ट नॉर्मली करता हूँ। मैं तुम्हें दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो देखो नंबरिंग क्या है, यहाँ से मैं 1, 2, 3, 4, 5 कर सकता हूँ और 1, 2, 3, 4, 5 कर सकता हूँ। तो मुझे नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि दोनों फंक्शन ग्रुप कवर हो जाए, ठीक है। तो चेन क्या है, 5 नंबर की चेन इधर भी है और 5 मेंबर चेन इधर भी है, तो दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। लेकिन मैं कौन सी लूंगा, ये वाली लेना ज़्यादा प्रेफर करूंगा। कौन सी वाली, ये वाली, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ग्रुप है। तो इस तरीके से अगर मैं जाऊँगा इस तरीके से, तो मेरे दोनों फंक्शन ग्रुप कवर हो जाएंगे कंपाउंड के नेम में, अदरवाइज उसको हम लोग क्या लगाना पड़ेगा, अलग से लिखना पड़ेगा।
और मैं इधर से भी जा सकता हूँ 1 2 3 4 5, इस तरीके से भी जा सकता हूँ। तो दोनों का सेम ही आ रहा है, ठीक है। इसमें लोएस्ट लोकन रूल इसलिए यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि सेम ही पड़ेगा। अब मैं क्या देखूंगा, यहाँ पे मुझे देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। मेरे पास क्या है, एक एल्डिहाइड है और एक एल्कोहल है। एल्डिहाइड और एल्कोहल में से ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, एल्डिहाइड की होती है। तो नंबरिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे, एल्डिहाइड से शुरू करेंगे। तो हम लोग एल्डिहाइड से नंबरिंग शुरू कर लेते हैं। तो इसको मैं करने के लिए चार पार्ट्स लिखूंगा जो मैंने ऊपर लिखे ही हुए हैं, ठीक है। इसको मैं रूट को इधर लिख देता हूँ। तो कितने कार्बन है हमारे, पांच। और पांच के लिए क्या यूज होता है, पेंट, ठीक है। ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, एल्केन है क्योंकि इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन का नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, एन। और यहाँ पे क्या है, ये जो सी एच ओ है ये हायर प्रायोरिटी ग्रुप है तो ये सफिक्स की तरह यूज होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, अल, ठीक है। और कहाँ पे अल है, वन पे है तो इसको छोड़ देता हूँ मैं। जब वन पे होता है तो नंबरिंग हम लोग ज़रूरी नहीं है कि लिखें, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस, ठीक। इसके बाद प्रीफिक्स में हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रीफिक्स में दो सब्सिट्यूएंट्स हैं। दो कौन से सब्सिट्यूएंट्स हैं, एक तो ये जो ब्रांच अलग से निकल रही है और एक ये ओ एच, ठीक है। तो पांच तक तो मैंने यहाँ पे भर लिया, मतलब काउंट कर लिया। अब यहाँ पे एक ये ब्रांच निकल रही है जो अलग से निकल रहा है कंपाउंड और चेन, और एक यहाँ पे OH, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी लिखेंगे। और इसको क्या लिखना है, मिथाइल लिखना है। अब आ जाता है कि सब्सिट्यूएंट्स को लिखते कैसे, सब्सिट्यूएंट्स को लिखते हैं, तो जब भी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सब्सिट्यूएंट्स होते हैं तो हम लोग उसको किससे में लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। कैसे लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में OH जब पहले यूज़ होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सी, और CH3 को क्या बोलते हैं हम लोग, मिथाइल बोलते हैं, ठीक है। तो M पहले आएगा, H पहले आएगा, H पहले आएगा, तो मैं H को लिख देता हूँ। तो यहाँ पे दो मेरे सब्सिट्यूएंट्स हैं और H कहाँ पे है, 5 पे, तो मैं लिखूंगा 5 हाइड्रोक्सी, फिर 4 मिथाइल, पेंटेन 1 अर, ठीक है। तो अब इसको मैं एक साथ अटैच करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दो वॉवल साथ में है तो इसको हटाना पड़ेगा। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 हाइड्रोक्सी, फोर मिथाइल, पेंटेनर, ठीक है। क्या है, 5 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, पेंटेनर। तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा नहीं है, तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पेंटेन 1 अल बन जाएगा वो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट, जब भी हम लोग लिखेंगे तो नंबर और अल्फाबेट के बीच में हमेशा क्या यूज़ करना है, यूज़ हाइफन। तो हाइफन यूज़ करना है, ये जो डंडा मैंने बीच में रखा है इसको हम लोग बोलते हैं हाइफन, तो ये हमेशा हाइफन यूज़ होता है, ठीक है। और अगर दो नंबर्स हैं तो नंबर और नंबर के बीच में हमेशा कॉमा यूज़ होता है। तो ये तुम्हारा IUPAC लिखने का तरीका है। और ये याद रखना कि तुम केमिस्ट्री ऑनर्स पढ़ रहे हो, मोस्टली तुम केमिस्ट्री ऑनर्स पढ़ रहे हो, तो अगर तुम IUPAC किसी भी कंपाउंड का गलत बता देते हो तो फिर तुम सोच सकते हो कि तुम्हें क्या बोला जाएगा, ठीक है। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि एटलीस्ट IUPAC अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। वही बेसिक होता है, और बेसिक नहीं आता तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे जल्दी, मुझे पता है कि यहाँ पे डाउट होगा। डाउट है किसी को, सीम्स किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं तुम्हें पहले लोएस्ट लोकन रूल समझाता हूँ क्या है।
तो लोएस्ट लोकिन रूल जनरली कहाँ पे यूज होता है? लोएस्ट लोकिन रूल जनरली वहाँ यूज होता है जहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग प्रायोरिटी के फंक्शन ग्रुप्स नहीं है। तो अगर दो अलग अलग प्रायोरिटी के फंक्शन ग्रुप्स नहीं है तब हमारे पास मुश्किल हो जाएगी हमें फाइंड आउट करना कि कहाँ से नंबरिंग की जाए। तो उस केस में लोएस्ट लोकिन रूल यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, मतलब CH, CH3, CH2, CH2, ठीक है। तो मेरे पास ये कंपाउंड है और इसका मुझे नाम लिखना है। अब नाम मैं कैसे लिख सकता हूँ? पहली चीज तो मुझे क्या करनी है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करनी है। तो पहला स्टेप क्या होता है, डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दिख रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो ये क्या हो गई, नॉन-एन हो गई। अब मेरे पास ऑप्शन आता है कि दो ब्रांचेस दिख रही हैं मुझे। ब्रांचेस कौन सी होती है, जहाँ पे हम लोग मार्क नहीं कर सकते। तो एक ब्रांच यहाँ पे है जो नंबर के साथ अटैच नहीं हुई है, ठीक है। सो अब मुझे क्या करना है, इसको नंबर करना है। और नंबर किस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है कि जो दोनों ब्रांचेस हैं उनको लोएस्ट नंबर मैं डिनोट कर सकूँ या उसको दे सकूँ। तो उस केस में हम लोग लोएस्ट लोकिन रूल यूज़ करते हैं। तो एक तरीके से मैं नंबरिंग ऐसे कर सकता हूँ और दूसरा तरीके से मैं नंबरिंग ऐसे कर सकता हूँ यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो दो तरीके से होगी नंबरिंग, लेफ्ट साइड से भी हो सकती है और राइट साइड से भी हो सकती है। तो किसको चूज किया जाएगा, कोई मुझे बताएगा? ग्रीन वाला ज्यादा सही है या फिर पर्पल वाला? ठीक सर, यानी फर्स्ट से जो पहले किए थे पर्पल है, पहला कौन सा, ये वाला, ये जो वाला, पर्पल पर्पल वाला, वाला। पर्पल वाला, हाँ ठीक ठीक है। तो पर्पल वाला क्यों यूज है, होगा? पर्पल वाला सही है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लोएस्ट लोकिन रूल यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे मैं दो लिख देता हूँ, एक ग्रीन पेन से जो मैंने यूज किया है और एक मैंने पर्पल पेन से जो यूज किया है, ठीक है, कलर यूज नहीं कर रहा मैं। तो ब्रांचेस देखो, ग्रीन वाले में ब्रांच आ रही है 8 नंबर पे और 3 नंबर पे, कितना हो गया, 11। पर्पल वाले केस में ब्रांच जो है वो 2 पे है और 7 पे है, ये कितना हो गया, 9। अब 9 और 11 में से क्या है, 9 छोटा होता है देन 11, तो 9 को हम लोग क्या करेंगे, इट इज प्रेफरेबल। तो अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ब्रांचेस हो और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस साइड से करना है, तो तुम्हें क्या करना है, नंबरिंग करनी है और जहां जहां पे वो नंबरिंग आ रही है उसको ऐड कर लो। दोनों को ऐड करने के बाद जो सबसे छोटा नंबर आएगा उस वाले को हम लोग चूज करेंगे, ठीक है। तो 9 कहाँ से आ रहा है, पर्पल के थ्रू आ रहा है, तो मैं ये क्या करूंगा, तो लॉन्गेस्ट चेन करना है, दूसरा क्या करना है, लोएस्ट लोकेंट रूल लगाना है। ठीक है, मतलब ब्रांचेस शुड गेट लोएस्ट नंबर। नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि ब्रांचेस या सबस्टूडेंट इन सबको या फंक्शन ग्रुप इन सबको लोएस्ट नंबर मिल सके। तो लोएस्ट नंबर हमें दिख रहा है कि पर्पल के साइड से हो रहा है, तो मैं ये पर्पल वाला यूज करूंगा। और इसको यूज करने के बाद अब हम लोग नाम लिखते हैं। नाम में सबसे पहले क्या है, 4 कॉलम बनाएंगे हम, ठीक है। मतलब तुम तो डायरेक्ट लिख सकते हो। रूट नेम क्या है, 9 है तो ठीक है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, एल्केन है। कोई और फंक्शन ग्रुप है तो सबस्क्रिप्ट 2 गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो ब्रांचेस हैं तो दो प्रोफिक्स ही प्रीफिक्स यूज होंगे। 2 पे क्या है, मिथाइल, 7 पे क्या है, मिथाइल। तो अब मैं 2 मिथाइल 7 मिथाइल नहीं लिखूंगा, अब मैं इसको क्या कर दूंगा, डायरेक्ट कर दूंगा 2 7 डाई मिथाइल। ठीक, क्या लिख दूंगा, 2 7 डाई मिथाइल।
ठीक है, अब इसको मैं अगर कन्वर्ट करूँ तो 2 7 दो नंबर है, दो नंबर के बीच में क्या आएगा, एक कॉमा आएगा और फिर एक हाइफन आएगा क्योंकि नंबर और फिर मैं एक अल्फाबेट स्टार्ट करूँ, तो ये क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल नॉन नेन। ठीक है, क्या हो गया, डाई मिथाइल नॉन नेन। ओके, तो इसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखो, लिखते वक्त जो फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल होगा, पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पूरा एक वर्ड है, तो वर्ड के बीच में जो लेटर्स हैं उनके बीच में तुम स्पेस नहीं दोगे, मिथाइल और नॉनेन को अलग अलग नहीं करोगे, वो एक ही वर्ड है। ठीक है, तो डाई मिथाइल नॉनेन करोगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, यही है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट लेटर कैपिटल कब होना चाहिए, जब किसी भी कंपाउंड का तुम नाम लिख रहे हो तो उसमें तुम कैपिटल लिखोगे, लेकिन अगर वो सेंटेंस के बीच में यूज हो रहा है तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे हम लोग किसी भी वर्ड को यूज करते हैं, वर्ड सेंटेंस में जो अगर वो सबसे पहले आता है तो उसको हम लोग कैपिटल लिखते हैं, और अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो उसे कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं होती। सिमिलरली इस दिन IUPAC, तो नॉमन क्लेचर में जब IUPAC में जब नॉमन क्लेचर करते हैं और जब हम लोग का नाम लिखते हैं तो उसमें भी अगर वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है तो कैपिटल में आएगा, सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो वो स्मॉल में आएगा, और अगर कहीं भी कुछ नहीं है और किसी कंपाउंड के नीचे तुम्हें नाम लिखना है तो वो कैपिटल में आएगा क्योंकि वो सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है। ओके, किसी को यहाँ पे कोई डाउट है तो बताओ। आई होप नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो बताओ इसका नाम बताओ मुझे क्या होगा। तो देखो इसमें से सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि चार फंक्शनल ग्रुप्स हैं। हाँ दिख रहा है, दिख ही रहा है कि चार फंक्शनल ग्रुप है, और इसमें से सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है। तो एनी हाउ मुझे कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं रूट नेम क्या लिखूंगा, ऑक्ट। ठीक है, एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन है तो ऑक्टेन। ठीक है, और वन पे क्या है, एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं, अल। ठीक है, ऑक्टेनल तो हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास तीन प्रीफिक्स हैं, तीन कौन सा है, एक ब्रोमीन वाला, एक क्लोरीन वाला और एक कीटोन वाला। कीटोन को जब हम लोग प्रीफिक्स लिखते हैं तब उसका नाम क्या रहता है, ऑक्सो। ठीक है, Cl का नाम क्या होता है, क्लोरो, और Br का नाम क्या होता है, ब्रोमो। ठीक है, ब्रोमो क्लोरो एंड ऑक्सो। तो अब इनको किस फॉर्म में यूज करना है, हमें अल्फाबेटिकली हमें क्या करना है, इसको यूज करना है। तो मैं क्या बोल लिखूंगा, B पहले आएगा, फिर C आएगा, फिर O आएगा, तो 7 ब्रोमो। सिक्स क्लोरो, लगी रहता नहीं आएगा, 7 ब्रोमो, 6 क्लोरो, 3 ऑक्सो, ऑक्टेनॉल। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, किसी को कोई डाउट है इसमें। ठीक है, सेम्स की किसी को कोई डाउट नहीं है, तो अब वापस हम लोग अपने एल्डिहाइड्स पे चले जाते हैं। ठीक है, तो पहला एल्डिहाइड क्या है, HCHO, HC डबल बॉन्ड O, H। ठीक है, इसमें कितने मेंबर्स हैं, एक ही मेंबर है, तो मेथ्यूज होगा, MeTH। एल्केन है तो एन, एल्डिहाइड है तो अल, और फर्स्ट ही पोजीशन पे है तो मिथे नेल इसका नाम हो गया, एक ही कार्बन था, नंबरिंग करने की जरूरत नहीं।
नेक्स्ट क्या है, CH3CHO। नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से होगी, ठीक है। तो दो कार्बन है तो मैं क्या लिखूंगा, इथ, एल्केन है तो एन, और एल्डिहाइड है तो, ठीक है, तो नाम क्या हो गया, इथेनॉल। नेक्स्ट क्या है, आइसोबैरल्डिहाइड लग रहा है, ठीक है। अब नंबरिंग करके देखते हैं हम लोग इसको, यहाँ से 1 2 3, यहाँ कर लो वहाँ कर लो, दोनों में एक ही जाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कितनी है, तीन की है, तो प्रॉप ये बीच में आएगा, तो मैं इसमें स्मॉल ही कर देता हूँ पहले से, चलो छोड़ो, प्रॉप इसको ठीक से लिख देंगे। एल्केन है तो एन, एल्डिहाइड है तो अल, ठीक है, और टू पे क्या है, टू मिथाइल, तो इसको मैं ठीक से लिखूंगा, तो ये कैसे लिखा जाएगा, टू मिथाइल प्रोपेनॉल। एनी डाउट सो फार, इसको मैं तुम्हें दो नो मिनट, सर। इसको मैं तुम्हें 2 मिनट में बताता हूँ, पहले हम लोग बाकी कर लेते हैं। तो अब इसको हम लोग देखते हैं, तो एल्डिहाइड से शुरू होगा, 1 2 एंड 3। तो 1 2 3 करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे, तो प्रॉप है तो मैं पहले प्रॉप लिखता हूँ, प्रॉप, एल्केन है तो एन, एल्डिहाइड है तो फर्स्ट पोजीशन पे ही होता है हमेशा एल्डिहाइड, तो अल आ जाएगा, तो प्रोपेनॉल आ गया। अब यहाँ पे क्या है, टू पे एक फंक्शन ग्रुप लिखा है, OCH3, दिस इज योर एल्कॉक्सी ग्रुप, तो इसका नाम क्या है, मिथॉक्सी, टू मिथॉक्सी, ठीक है, तो इसको मैं अच्छे से लिखूंगा, तो टू मिथॉक्सी प्रोपेनॉल। ठीक है, देख लो मैंने यहाँ पे कैपिटल लिखा था दोनों साइड पे, फिर मैंने इसको जब साथ में लिखा तो एकदम ठीक कर दिया, और दोनों वर्ड्स को मैंने क्या किया, साथ में जोड़ दिया है कि वो एक ही वर्ड लगे। ओके, द नेक्स्ट इज CH3CH2CH2CHO, इट इज वेरी सिंपल, नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या यूज होगा, पेंट, एल्केन है तो एन, और एल्डिहाइड है तो अल, पेंटेन, कुछ करने की जरूरत नहीं। CH2 डबल बॉन्ड CH, अब ये थोड़ा अच्छा वाला आ गया, तो इसको हम लोग करके देखते हैं, 1 2 3, तो तीन है तो प्रॉप, ठीक है, मैं इसको वैसे ही करके दिखाता हूँ, चार पार्ट्स में डिवाइड करके। तो पहला तो ये हो गया प्रॉप, एल्केन है, एल्कीन है, एल्कीन है, और कहाँ पे है, टू पे, टू इन, ठीक है, क्या तीनों इन लिख देता हूँ, 1 पे क्या है, अल है। अब देखो दो वॉवल साथ में आ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वॉवल को हटाना पड़ेगा, तो इसका इन का ये हट जाता है, ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट के लिए कुछ है नहीं, तो इसका अगर मुझे नाम लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, पी कैपिटल आएगा, प्रॉप टू इनल, ठीक है। तो इन कितने पे है, 2 पे है, और अल कितने पे है, 1 पे है, तो याद ही रखना कि हमेशा एल्डिहाइड 1 पोजीशन पे ही होता है, जनरली 1 पोजीशन पे होता है, अगर नहीं है फॉर्मल कहीं और है तो, या जब वो आगे सब्सिट्यूएंट बन के आएगा तब वहाँ पे नंबर लिखा होगा, 3 फॉर्माइल 4 फॉर्माइल, ठीक है। अगर वो पीछे यूज हो रहा है, अगर वो सफिक्स की तरह यूज हो रहा है, तो वो हमेशा 1 पोजीशन पे ही होगा, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं हम लोग इस वाले कंपाउंड पे, ठीक है, कीटोन्स को हम लोग थोड़ी देर में करते हैं। ओके,
नाउ यहाँ पे चार पांच पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान देना है। पहला पॉइंट कि यहाँ पे रूट चेन कौन सी है, तो रूट चेन ऐसी लेनी है जो सबसे ज्यादा लंबी हो। 1 2 3 4 5 6, ये जो एली साइक्लिक है, साइक्लिक जो चेन है वो कितने की है, 6 मेंबर की है। यहाँ पे जो चेन है वो 1 नंबर की है और यहाँ पे चेन क्या है, 1 नंबर की है। ठीक है, तो हम लोग अगर बीच वाली चूज करेंगे तो इसको हम लोग दोनों को साथ में ले सकते हैं। ठीक है, नंबरिंग कैसी होगी, 1 2 3 फंक्शन ग्रुप से स्टार्ट होगा, तो फंक्शन ग्रुप यहाँ लगा हुआ है तो यहीं से स्टार्ट होगा, तो 6। और ये साइकिल के साथ है तो इसका नाम क्या हो जाता है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, एल्केनी है, एल्कीन नहीं है, तो इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन। जहां भी लिखना है क्या लिखना है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो अब मैं इसका नाम लिखना चाहूंगा, तो 3 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो मैं क्या लिखूंगा, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बल्डिहाइड। ये इसका नाम है, समझ में नहीं आया होगा आगे, ये समझ में ये नहीं आया, जल्दी बताओ मुझे, मैं इसको क्लियर अभी करूंगा ही, बट पहले देख लेते हैं समझ में आया नहीं आया। आया किसी को समझ में, आप सर 50% आया, 50% नहीं आया सर। क्या नहीं आया? नहीं, आप जो वहाँ पे लास्ट पे जो मैंने कार्बन डिहाइड किया है तो एल्डिहाइड ग्रुप का है। हाँ, तो अल लिखना चाहिए था मुझे, है ना, लेकिन मैंने इसमें कार्बल्डिहाइड क्यों लिखा। ठीक है, तो यही क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे हम लोग कार्बल्डिहाइड की तरह क्यों यूज कर रहे हैं। देखो, कार्बल्डिहाइड हमें कहाँ लिखना है, कार्बल्डिहाइड हमेशा सफिक्स की तरह यूज होगा। ठीक है, अल भी क्या होता है, सफिक्स की तरह यूज होता है, और फॉर्माइल, फॉर्माइल या ऑक्सो कैसे यूज होता है, प्रीफिक्स की तरह यूज होता है। ये 3 चीजें हमें ऑलरेडी पता है, यहाँ पे ये नई चीज है कि कार्बल्डिहाइड हम लोग यूज कर रहे हैं। अब फॉर्माइल या ऑक्सो प्रीफिक्स कब यूज करते हैं, जब हायर प्रायोरिटी का कोई हमारे पास हो, और अगर हमारे पास हायर प्रायोरिटी का नहीं है और एल्डिहाइड सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, अल। तो फिर ये एक नया चीज क्या आ गई, कार्बल्डिहाइड हो गई, और ये कार्बल्डिहाइड आया है तो हम लोग कहाँ लिखेंगे कार्बल्डिहाइड, हम लोग तब लिखेंगे व्हेन वी कैन नॉट काउंट CHO कार्बन। कब लिखा जाएगा, जब हम लोग एल्डिहाइड की कार्बन को काउंट नहीं कर पाएंगे। तो देखो, यहाँ पे मैंने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करी है, इस कार्बन से, मैंने इस कार्बन को 1 नहीं दिया है, समझ में आ रहा है, अगर मैं इस कार्बन को 1 दे देता तो मुझे इसके लिए अल यूज करना पड़ता, लेकिन मैंने क्या यूज किया है, इस कार्बन को नंबरिंग तो दी ही नहीं है, नंबरिंग अगर नहीं दी है तब मैं उस केस में इसको कार्बल्डिहाइड लिखता हूँ। एग्जाम्पल से, मतलब सर सब्स्टिट्यूएंट के केस में। हाँ, नहीं, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो ये सफिक्स है, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, इससे ज्यादा प्रायोरिटी के ग्रुप कोई है नहीं, लेकिन अगर मैं एल्डिहाइड की कार्बन को नंबर 1 दे देता हूँ तब मुझे अल यूज करना है, अगर मैं उसको नंबर 1 दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 मैंने नंबर किसको दिया, इस वाली कार्बन को दिया है, समझ में आ रहा है, इस कार्बन को नंबर 1 नहीं दिया, समझ में आ रहा है ये। तो जब एक एल्डिहाइड की कार्बन जो छूट जाती है, ठीक है, कई बार केसेस होंगे जहां पे तुम उसको नंबर कर ही नहीं पाओगे, ठीक है, और अगर तुम उसको नहीं नंबर कर पा रहे और वो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है तब उसे कार्बल्डिहाइड लिखना है। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, ये देख रहे हो, इसमें भी इसकी रूट चेन क्या है, 1 है, इसकी भी रूट चेन क्या है, मतलब ये जो साइड चेन है वो 1 है, और यहाँ पे ये जो चेन है वो 6 है, तो किसको मुझे कंसिडर करना चाहिए, इसको करना चाहिए, इन दोनों को मैं ये कंसिडर नहीं करूंगा। ठीक है, और अगर मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ तो दोनों की दोनों मेरे साथ में कंसिडर हो जाती हैं, तो इसलिए मैं साइक्लोहेक्सेन को यूज करूंगा। तो 1 2 3 4 5 6, अब देखो, ना ही इस कार्बन को 1 मिला है ना ही इस कार्बन को 1 मिला है,
अब होता क्या है, दो एल्डिहाइड है और दोनों एल्डिहाइड की प्रायोरिटी क्या है, एग्जैक्टली सेम है। अब तुम्हारे पास दो एल्डिहाइड है, तुम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि किसको फर्स्ट मिले किसको सेकंड मिले। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहीं कर पाते, हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाते कि किसको देंगे प्रायोरिटी। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों की प्रायोरिटी छोड़ देते हैं और दोनों में से किसी को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो अब ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। तो ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन। तो 1 to diol में लिख सकता था, डायल में लिख सकता था अगर मेरा 1 में एल्डिहाइड होता और 2 पे एल्डिहाइड होता और उन दोनों की कार्बन को मैं कंटिन्यू कर रहा होता। सॉरी, तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मेरे पास साइक्लोहेक्सेन है और अगर मेरे पास एल्डिहाइड की कार्बन रूट चेन के अंदर है, तब मैं अल यूज करूंगा, ठीक है, तब मैं अल यूज करूंगा। अगर वो रूट चेन के अंदर काउंट नहीं हो रही है एल्डिहाइड की चेन, तब मैं उसे क्या बोलूंगा, कार्बल डिहाइड बोलूंगा। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन 1,2-डाई कार्बल डिहाइड। समझ में, तो क्या हो जाएगा, 1 साइक्लोहेक्सेन 1,2-डाई कार्बल डिहाइड। ये क्लियर हुआ, हो ठीक है। गया। तो कार्बल डिहाइड कब यूज करना है, कार्बल डिहाइड हमें तब यूज करना है जब कार्बन को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, जब एल्डिहाइड की कार्बन को हम लोग 1, 2, 3, 4 में काउंट नहीं करेंगे और वो अलग थलग पड़ जाएगी, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसको कार्बनडाइहाइड बोलेंगे। और अगर उससे हायर प्रायोरिटी का है तो 1 फॉर्माइल हो जाएगा, 2 फॉर्माइल हो जाएगा। लेकिन अगर उसके अलावा कोई फर्दर फंक्शन ग्रुप नहीं है या कोई और फंक्शन ग्रुप है जिसकी प्रायोरिटी उससे कम है, तब उसको हम लोग लास्ट में ही लिखेंगे, सफिक्स में ही जाएगा और वो कार्बनडाइहाइड होगा। और यहाँ पे 2 कार्बनडाइहाइड है तो इसलिए मैंने 1,2-डाई लिखा, 2 नंबर हैं तो 2 नंबर के बीच में कॉमा जाएगा और नंबर और अल्फाबेट के बीच में हमेशा क्या आता है, एक हाइफन जरूर आएगा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कोई। चलो तुम लोग मुझे एक एक करके बताओ कि इसका नाम तुम लोग क्या रखोगे, फिर मैं बताऊंगा कि इसका सही नाम क्या है। बताएगा कोई मुझे, सर 1,4-डाइब्यूटेनल। 1,4-डाइब्यूटेनल, हाँ, नहीं नहीं इथेन वन 1,2, इथेन 1,2-डायोल। ऑल ऑल तो है ही नहीं, ये डायोल का ऑल तो एल्कोहल ही है, अल 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 डाय अल। सर सही बोला, 1,2-इथेन डायल होगा, सही बोला वो शिवम। अच्छा, बट किसी आधा सही है आधा सही है। अंजलि तुम कुछ बताना चाहोगी, कौन कौन है क्लास में? सर हाँ बोलो अल्ज। हाँ सर, हम यही बोल रहे थे, इथेन 1,2-डायल, इथेन 1,4-डायल। इथेन 1,4, इथेन है, इथेन तो मतलब 2 कार्बन हो गए ना, तो उसमें 1 और 4 तो आ ही नहीं सकते, 4 हैं तो ब्यूटेन यूज करना पड़ेगा। नहीं हाँ रितिका, रितिका सुन रही हो तुम? पता नहीं, एनीवेज ठीक है। देखो यहाँ पे मैं अगर मैं नंबरिंग करना चाहूँ तो मैं नंबरिंग ऐसे कर सकता हूँ, देखो 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे मेरे पास ये फंक्शन ग्रुप है और ये फंक्शन ग्रुप है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, फंक्शन ग्रुप से स्टार्ट होती है। तो 2 फंक्शन ग्रुप है, दोनों की प्रायोरिटी सेम है, दोनों एल्डिहाइड है। इन दोनों एल्डिहाइड में से हायर प्रायोरिटी किसको मिलेगी, दोनों की प्रायोरिटी हाईएस्ट है। इन दोनों में से हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये वाले एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा है ये वाले एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से इसको 1 मिलना चाहिए तो इसको भी 1 मिलना चाहिए। अब ये 2 अजीब केस हो गए कि यहाँ पे मैं 1 इसको भी दे सकता हूँ इसको भी दे सकता हूँ, और दोनों मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसको देना चाहिए। क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि दोनों इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल है, तो यहाँ पे टाई हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे क्लैश हो रहा है कि दोनों की प्रायोरिटी सेम ही आएगी और दोनों इतने पावरफुल हैं कि नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होनी चाहिए।
तो हम लोग क्या करते हैं, या तो दोनों को नंबरिंग देंगे या फिर दोनों को नंबरिंग नहीं देंगे, तो हम लोग इन दोनों को नंबरिंग देते ही नहीं है। तो इसको दे देते हैं 1 और इसको दे देते हैं 2 और इसका नाम क्या हो जाता है, इथेन। हाँ अब बताओ, अब इसका नाम इथेन है तो अल यूज होगा या कार्बल्डिहाइड यूज होगा? कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर CHO को हम लोग रूट चेन के अंदर कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो उसे कार्बल्डिहाइड बोला जाता है, और अगर वो रूट चेन के अंदर कंसिडर हो रहा है तो उसे अल बोला जाएगा। ठीक है, तो 1-2 इथेन, 1-2 डाई कार्बल्डिहाइड। समझ में? इसको मैं ई पूरा लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे डी आ रहे हैं, तो दो वॉवल साथ में नहीं आ रहे, तो ई ड्रॉप करने का कोई खास मतलब हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, इथेन 1-2 डाई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो ऐसे ही तुम्हें देखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में और एस्टर के केस में भी यही होता है कि अगर कार्बन मॉलिक्यूल से बाहर निकली हुई है और उसको रूट चेन में कंसिडर नहीं किया जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या लिख देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देते हैं डायरेक्ट, इतना इतना कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो जब वो आएगा तब उसकी बात की जाएगी। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, तो इसमें प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको मिलेगी लॉन्गेस्ट चेन, ये है। ये लॉन्गेस्ट चेन होने के बाद साथ में क्या है, ये CHO को भी कंटेन कर पा रही है, मतलब उसको हम लोग बता सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड इसका बेसिकली IUPAC है, इसका कॉमन नेम नहीं है, लेकिन क्या हुआ था, बेंजल्डिहाइड इतना ज़्यादा यूज़ हो जाता है कि इसका जो कॉमन नेम है बेंजल्डिहाइड ही था, और सब जगह इसे बेंजल्डिहाइड ही यूज़ किया गया था, तो इसलिए IUPAC ने बोला कि इसको हम लोग इसका IUPAC भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बेंजल्डिहाइड ही यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो अगर तुम बेंजीन कार्बल्डिहाइड लिखते हो या बेंजल्डिहाइड ही लिखते हो तो दोनों ठीक रहेंगे, इसको हम लोग किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा जब हम लोग बेंजीन 1 कार्बल्डिहाइड या बेंजीन कार्बल्डिहाइड अगर उसको लिखेंगे, और इसमें जो सी है वो छोटा ही होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा IUPAC। ठीक है, तो आज 7 बज गए हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें होमवर्क देना तो चाहता था, दे देता हूँ, रुको। दो मिनट वेट करना, मैं तुम्हें क्वेश्चन दे देता हूँ कि कौन